अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पांच ख्वाब ऐसे बताने वाला हूँ जो अगर आप लोगों को दिखते हैं तो आप लोग फौरन समझ जाइए आपकी दिल की मुराद पूरी होने वाली है। देखो, जब भी इंसान को ख्वाब आते हैं तो उसकी ताबीर जान लेना बहुत जरूरी होता है। ख्वाब हमें आगाह करते हैं, आने वाली चीजों को हमें बताते हैं, सिर्फ हमें उस चीज को पहचानना जरूरी होता है। कभी कभी हमें ख्वाब आता है तो हम लोग उसकी ताबीर भी नहीं जानते हैं और हम लोग सोचते हैं कि काश कोई ऐसा मिल जाए जिससे हमें इस ख्वाब की ताबीर मिल जाए। आज मैं आप लोगों को पांच ऐसे ख्वाब बताने वाला हूं, अगर आप लोग इनमें से एक भी ख्वाब देखते हैं तो आप लोग फौरन समझ जाइए आपके दिल की मुराद बहुत जल्द पूरी होने वाली है। देखो, हर चीज को वेरीफाइड करना जरूरी होता है, उसी तरीके से ये ख्वाब हमने कहां से लिए हैं उसकी दलील देना भी जरूरी है। तो इन पांच ख्वाबों की दलील सच्चा ख्वाबनामा पेज नंबर 87 से हम लोगों ने लिए हैं, आप लोग चाहें तो देख भी सकते हैं। सबसे पहले आप लोग वो ख्वाब जान लीजिए कौन कौन से हैं, उसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे कि अगर आपको इनमें से एक भी ख्वाब है तो आपको कौन सा अमल करना चाहिए। सबसे पहला ख्वाब, ख्वाब में खुद को बारिश में भीगता हुआ देखना, यानी कि बारिश हो रही है और आप लोग खुद को बारिश में भीगते हुए ख्वाब में देखते हैं तो उसकी ताबीर ये है, ये अच्छा ख्वाब है, कोई दिली मुराद पूरी होने वाली है। यानी कि अगर आप लोग खुद को बारिश में भीगते हुए देखते हैं तो ये बहुत ज्यादा बेहतर ख्वाब है और इंशाअल्लाह तबारक वताला जो आपके दिल की मुराद है वो पूरी होने का अंदेशा है अगर आप लोग खुद को ख्वाब में बारिश में भीगता हुआ देखते हैं तो। दूसरा ख्वाब ये है, ख्वाब में बारिश देखना, अगर आप लोग ख्वाब में सिर्फ बारिश देख रहे हैं, सब तरफ बारिश ही बारिश हो रही है तो उसकी ताबीर ये है, कोई खुशी मिलने वाली है और अल्लाह तबारक वताला की रहमत बरसेगी, यानी कि आपको बहुत जल्द कोई खुशी मिलने वाली है और अल्लाह तबारक वताला का रहम करम आपके ऊपर होने वाला है। तीसरा ख्वाब आता है, ख्वाब में बादल फटता हुआ देखना, यानी कि बारिश भी हो रही है और बादल पूरा फट गया है, या फिर बारिश नहीं हो रही है फिर भी बादल फट गया है, आपने ख्वाब में बादल को फटते हुए देखा तो उसकी ताबीर ये है, बिगड़े हुए काम बन जाएंगे, मायूसी दूर होगी, यानी कि जो आपके काम बिगड़ गए थे वो इंशाल्लाह तबारक वताला बन जाएंगे और आपकी जिंदगी में जो परेशानियां हैं, मायूसी है, वो दूर हो जाएगी। चौथा ख्वाब आता है, ख्वाब में फल खाना, यानी कि फ्रूट्स खाना, अगर आप लोग ख्वाब में खुद को फल खाता हुआ देखते हैं तो उसकी ताबीर ये है, ये ख्वाब कोई एक मुराद पूरी होने की निशानी है। तो आप लोग समझ गए, अगर आपको ऐसा ख्वाब आता है तो आपकी कोई एक ख्वाहिश पूरी होने वाली है। पांचवा ख्वाब आता है, ख्वाब में पानी पीना, दोस्तों इसकी ताबीर ये है, दिली मकसद पूरा होगा, किसी दोस्त से फायदा मिलेगा, अगर आप लोग ख्वाब में खुद को पानी पीते हुए देखते हैं तो आप लोग समझ जाइए आपका मकसद पूरा होने वाला है और जो आपका दोस्त है उससे आप लोगों को फायदा मिलने वाला है। अगर इन पांच ख्वाबों में से आप लोग एक भी ख्वाब देखते हैं तो आप लोग सबसे पहले 11 रुपए का सदका निकाल दें, यानी कि 11 रुपए किसी गरीब को दे दें और उसके बाद रात को सोते वक्त या रब्बना या रब्बना या रब्बना 21 मरतबा पढ़कर सोया करें और अपने सीने पर दम कर लिया करें, इंशाअल्लाह तबारक वताला जो आपके हक में बेहतर होगा वो होगा। दोस्तों, ये तो मैंने रेंडमली ख्वाब आप लोगों को बताया, अगर आप लोग किसी ख्वाब की ताबीर जानना चाहते हैं तो आप लोग अपना ख्वाब कमेंट बॉक्स में लिख दें, इंशाल्लाह तबारक बताला हम बहुत जल्द उस ख्वाब पर वीडियो बना देंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और इस वीडियो को आगे शेयर जरूर करें, उन लोगों तक जरूर पहुँचा दें जो ख्वाब की ताबीर जानना चाहते हैं।